दिस लेलन टॉप वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। करीब 3000 पेज की इस चार्जशीट में पुलिस ने कई दावे किए हैं। पुलिस का कहना है कि लाल किले पर हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। उपद्रव करने वाले लाल किले पर कब्जा करने की फिराक में थे ताकि वहां किसान प्रोटेस्ट का नया अड्डा बनाया जा सके। याद दिला दे कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इसके लिए पुलिस ने किसान संगठनों से बात करके रूट और समय तय किया था, लेकिन कुछ जगहों पर तय वक्त से पहले ही रैली शुरू कर दी गई। जो रूट तय था, प्रदर्शनकारियों का एक जत्था उससे अलग हटकर लाल किले की तरफ चल पड़ा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लाठियों और आंसू गैस का सहारा लिया। इसके बावजूद भारी संख्या में लोग लाल किले पर पहुंच गए, जमकर तोड़फोड़ और हिंसा हुई। आंदोलनकारी लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए, वहां सिखों का पवित्र निशान सा है, और किसान झंडा फहरा दिया। इस मामले में दीप सिंह सिद्धू, डच नागरिक मनिंदरजीत सिंह समेत कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा के मामले में कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कई बड़े दावे किए गए हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में पुलिस का आरोप है कि सोची समझी साजिश के तहत ही आंदोलनकारी लाल किले में दाखिल हुए थे। वो यहाँ पर नई प्रोटेस्ट साइट बनाकर कृषि कानूनों के विरोध को तेज करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इसी इरादे से योजना बनाकर बड़ी संख्या में बुजुर्ग किसानों को भीड़ में शामिल किया गया और लाल किले में दाखिल करवाया गया। रणनीति के तहत घंटों तक लाल किले को बंधक बनाया गया। इस काम के लिए 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व को इसलिए चुना गया ताकि देश विदेश में सरकार की अस्मिता को ठेस पहुंचाई जा सके, सरकार को शर्मिंदा किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में ये दावा भी किया है कि तिरंगा झंडा उतारकर लाल किले पर निशान साहे और किसान झंडा फहराने वाले को मोटी रकम देने का वादा किया गया था। इस दावे के समर्थन में दिल्ली पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग पेश किए हैं। पुलिस का दावा है कि इस फोन रिकॉर्डिंग में हिंसा के आरोपी एक शख्स की बेटी कह रही है कि पापा को 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। चार्जशीट के मुताबिक 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा की साजिश नवंबर दिसंबर 2020 में ही रची जा चुकी थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर खरीदे गए थे। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा पंजाब में ट्रैक्टरों की बड़ी खरीद फरोख्त का डेटा भी पेश किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पंजाब में नवंबर 2020 में ट्रैक्टरों की खरीद जहां 43% बढ़ी थी, वहीं दिसंबर में ये बढ़कर 94% तक पहुंच गई थी। पुलिस ने ऐसा ही डेटा हरियाणा को लेकर पेश किया है। हरियाणा में भी किसान कानून आने के बाद ट्रैक्टरों की खरीद में इजाफा देखा गया था। दिल्ली पुलिस ने 30,000 की मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये चार्जशीट फाइल की है। इस पर 28 मई को आगे सुनवाई की तारीख तय की गई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। शुक्रिया।